अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। दो हफ्ते से तीन हफ्ते से ज्यादा छोटी छोटी बात करी माफ कर बोल लगूंगा मेरी बात सुनो छोटी छोटी बात करी माफ आप कल कर आप भाई साहब से बात करो। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ आवेदन लेके जा रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ? अरे क्या करूँ बैठ के भैया। अरे बैठो लो भैया इधर बोल रहे ना भाई साहब। अरे बैठो दो मिनट। देखो ये क्या है, ये पत्र इसलिए दिया है मैंने कि ये सालों से अधिकारी कुछ लोग जमे बैठे हैं। तीन दिन पहले मैंने आयुक्त महोदय को पत्र दिया था, तीन दिन पहले आयुक्त महोदय को मैंने पत्र दिया था और आयुक्त महोदय को मैंने अवगत कराया था और आयुक्त महोदय को मैंने अवगत कराया था कि ये अधिकारी इतने सालों से जमे बैठे हैं। वार्ड की समस्या कोई भी बताओ तो हल नहीं होती है। तो क्या समस्या थी आपकी? मेरे वार्ड की समस्या, मेरे स्वास्थ्य अधिकारी मेरे वार्ड में आठ कर्मचारी है। आठ कर्मचारी होने के बाद मैंने स्वास्थ्य अधिकारी को चार बार अवगत कराया कि मेरे वार्ड में कर्मचारी बढ़ाया जाए, वो नहीं बढ़ाया गया। कचरा भाई नहीं हट रहा है, मैं बड़ा परेशान हूँ क्योंकि क्या मैंने निर्दलीय चुनाव जीत के गलती कर दी? तो अभी आपने बोला था अधिकारी उठ के जा रहे हैं। अच्छे से बात करी तो अधिकारी मेरे पे रोक बता रहे क्योंकि मेरे साथ क्या कोई बोलने वाला नहीं है। तुमने सोचा कि अपन कैसे भी करके डर बताए तो ये मैंने क्या तीन दिन पहले आयुक्त महोदय को एक पत्र दिया था, जितेंद्र सिसोदिया सूरत त्रिपाठी थी इनके खिलाफ मैंने एक पत्र दिया था। ये करीब 15-17 लेकिन अभी आपकी बात से नाराज हो गए अधिकारी जा रहे हैं। मैं अच्छे से बात कर रहा था तो वो मेरे को एक दबाने की कोशिश कर, क्योंकि तीन दिन पहले मैंने इनको एक पत्र दिया था तो इनको ऐसा लगा कि इनके पास पत्र पहुंच गया आयुक्त महोदय के माध्यम से, तो ये कहीं ना कहीं मेरे से टीस रखना चाह रहे थे। तो मैंने बोला कोई गलत तो कोई करा नहीं, 17 साल से जमे अधिकारी है ये, इन तीनों का ट्रांसफर होना चाहिए, मेरी ये मांग थी। तो क्या आयुक्त महोदय को मैंने पत्र देकर गलती करी? कौन तीन अधिकारी जिसके लिए आवेदन दिया? सौरभ त्रिपाठी, विजय यादव और जितेंद्र सिसोदिया, ये तीनों, ये एक 2007 में आए थे, एक 2005 में आए थे, ये 17 साल से जमे बैठे नगर निगम पे, ये खुद कमिश्नर बन के ये कोई काम इनको बोलते तो काम नहीं करते, सुनते नहीं। परिषद में तीन तीन क्वेश्चन आज तक मेरे हल नहीं हुए। परिषद का मेरा कोई पार्षद की गरिमा क्या है? आज पार्षद ने मुझे जनता ने चुन के भेजा, मैं आज वार्ड में गंदे की साफ नहीं करूंगा क्या? कचरा गाड़ी मेरे घर घर कचरा इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा? अच्छी बात बोली तो मैं पार्षद प्रतिनिधि, मैडम पार्षद चर्चा इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा? अच्छी बात बोली तो मैं पार्षद प्रतिनिधि, मैडम पार्षद मैं हूं उसकी गलती के लिए उसको मैंने डांट लगा के छोटी मोटी विसंगति उसको लेके वो उत्तेजित भाषण के बाद मेरा फोन बंद हुआ। फोन बंद होने के बाद में तुरंत मैंने उसको डांटा, मैंने बोला कि राज गलत है, तुरंत डांटा मैंने, ऐसा भी नहीं कि बाद में, उसके बाद में वहाँ भी डांटा। यहाँ उसकी वाइफ जो पार्षद और दोनों बैठे थे, मनीष भैया भी शायद अभी क्या बोला मैंने बोला कि राज गलत, कोई भी बात करना सीनियर से करो। तरह उसने उत्तेजना भाषा में बात किया वो मुझे भी ठीक नहीं लगा, मेरे को उस बात से समझ नहीं आया, उसको मैंने बोला भी और उसकी गलती का एहसास किया। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, जिंदाबाद।
सहेंगे नहीं सहेंगे, हम अपना अधिकार मानते हैं किसी से भी। जनसुनवाई लेते और एकदम से यहाँ पे जो पार्षद और अधिकारी के बीच बेजबाजी हो गई है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मैं फोन पे बात कर रहा था, इस बीच में मैंने देखा कि पार्षद नहीं पार्षद पति ने कुछ बोला, जिसको लेकर जितेंद्र सिसोदिया जी ने अपनी नाराजगी व्यक्त करी है। और किसी भी व्यक्ति को अभद्र भाषा का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है, और कोई भी काम कराने का एक तरीका होता है, अपनी बात संयमपूर्वक रखना चाहिए और कोई इशू नहीं, परिवार के लोग मिल बैठ के बात करें। भैया यहाँ पे जो पार्षद जो प्रतिनिधि, उनका कहना था कि काम नहीं हो रहा वार्ड में, और उन्होंने कुछ अधिकारियों को लेके यहाँ से हटाने की बात भी कही है। सिसोदिया जी का भी नाम उन्होंने लिया था। किसी अधिकारी को हटाने का कोई भी तय नहीं कर सकता है, शासन से तय होता है इस अधिकारी का स्थानांतरण करना, कहाँ पे किस अधिकारी को कहाँ पे काम करना है। और भैया जितेंद्र का कहना है कि जिनको मारने की बात जो की जा रही थी वो भी गलत है अभी इस तरह से। यदि मैं फोन में व्यस्त था, यदि बोला तो वाकई किसी को भी इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए, यदि मारने की बात करी तो गलत बोला है। जितेंद्र ज्ञापन बैठे जनसुनवाई के दौरान वार्ड नंबर 3 के पार्षद पति राज वर्मा वो आए, उन्होंने बोला कि भाई हमारे वार्ड के आपने कर्मचारी को हटा लिया है और हमारे क्षेत्र में जो निर्माण कार्य हो रहा है नहीं हो रहा है, बाकी सब वार्ड में हो रहा है। उनको पता है कि इस तरह कोई बात नहीं, जो अभी हो रहा है सब में एक समान प्रकार से काम हो रहा है, और कर्मचारी हटाने के कारण भी मेरे द्वारा नहीं कहा, मतलब वो संबंधी एसआई ने अपनी लिस्ट दी थी, मेरे को बता देता है इनके वार्ड के हैं कौन, उन व्यक्ति उन कर्मचारी को जानता भी नहीं हो कौन है वो, उनको ऐसा लगता है कि मैंने पर्टिकुलर मतलब पर्सनल दुश्मनी के कारण उनको हटाया, और उन्होंने फिर बाद में गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गलत इशारे करते हुए अभद्रपूर्वक बात की हमसे और बुलाया गया, तुम बहुत पुराने हो गए हो इस टाइप से। हमने पत्र बनाए हैं, ज्ञापन बनाए हैं महापौर जी के नाम से, आयुक्त महोदय के नाम से, कलेक्टर साहब के नाम से, सबको उन पत्र देंगे, और जो हमारे आयुक्त महोदय हैं जो हमको बताएंगे क्या करना है, कोई निर्देश देंगे, उस टाइप से हम कार्य करेंगे आगे। वो बिल्कुल आदत नहीं इस टाइप का है, उनके वार्ड में उनके वार्ड में जो काम होते थे काम प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाते हैं, कहीं कहीं बात करते रहते हैं इस टाइप का, वो शुरू से इस टाइप के प्रकट उनकी प्रवृत्ति लड़ाकू प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। जनसुनवाई कोई भी आ सकता है, वैसे जनसुनवाई सब आ सकता है, पर पार्षद पति एक नियम से किसी अधिकारी से डायरेक्ट इस टाइप से बात नहीं कर सकता, वो पार्षद को बात करना चाहिए थे, जो भी समस्या उनको बताना चाहिए, तरीके से बताना चाहिए। अब जो हमारे आयुक्त महोदय निर्देश देंगे, हमने पत्र बनाया है, अभी सब कर्मचारी अधिकारी यही बैठे हैं, ये सब लोग काफी हतोत्साहित हैं और नाराज भी हैं, इस टाइप घटना बार बार हो रही है, तो ये सब लोग काफी परेशान हो, अच्छे इन सबको मन में अच्छा नहीं लग रहा है। जितेंद्र सिंह सिसोदिया स्वास्थ्य अधिकारी। धरने पर आप बैठ गए, यहाँ पे आपकी चर्चा भी हुई थी कर्मचारियों से, तो आगे क्या आपका अभी रहेगा कि हमारा अभी भी यही कहना है कि हमारे आयुक्त महोदय से चर्चा हो जाए, उसके बाद हम आगे करेंगे। मैडम अभी जो कर्मचारी थे जितेंद्र सिसोदिया अधिकारी है, महापौर जी से मिले थे, उसके बाद भी धरने पर अभी बैठे हुए हैं। मैं महापौर जी से मिले इसकी जानकारी मुझे नहीं है, पर सब कर्मचारियों का ये कहना था कि आयुक्त महोदय से हमको चर्चा करनी है, क्योंकि आए दिन घटनाएं घटती है, इसलिए सब लोग अभी आयुक्त महोदय से चर्चा करने के ही लिए बैठे हैं। मैडम आप क्या मानते हैं, लगातार जो अधिकारी हो या कर्मचारी उनके साथ जिस तरह से व्यवहार हो रहा है जनप्रतिनिधियों का? देखिए जनप्रतिनिधि और कर्मचारी एक गाड़ी के दो पहिए हैं, जब तक यदि इनके बीच में सामंजस्य नहीं होगा कोई भी गाड़ी चल नहीं सकती, और नगर निगम एक ऐसी संस्था है जो जनता को मूलभूत सुविधाओं से सीधी जुड़ी है, जन्म से लेकर मृत्यु तक जुड़ी है, इसलिए जब तक कर्मचारियों का जनप्रतिनिधियों से सामंजस्य नहीं होगा तो निगम सुचारू रूप से संचालित नहीं होगा, इसलिए ये सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। मैडम क्या मानते हैं, पिछली बार भी महापौर जी और सभापति आश्वासन दिया कि इस तरह की गलती कभी नहीं होगी, और एक बार फिर एक अधिकारी के साथ में दुर्व्यवहार हुआ आज? अब ये घटना घटी है, इसीलिए हम आयुक्त महोदय से ठोस निर्णय की आशा कर रहे हैं, इसीलिए बैठे हैं हम लोग सब।